नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत टीजीटी में संस्कृत साहित्य में आज मैं प्रथम ग्रंथ किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि किरातार्जुनीयम महाकवि भारवीद द्वारा लिखा गया यह एक महाकाव्य है। इसमें पूरे 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं और ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें कुछ यह उस समय की कथा है जब हस्तिनापुर में पांडवों और दुर्योधन के बीच में संपत्ति संबंधी कुछ विशेष वाद विवाद था, उसी की समय घटना है। पांडव युधिष्ठिर आदि दूत क्रीड़ा में संपूर्ण राजपाट हार जाते हैं, तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। वे वन में ही जीवन यापन करते हैं। महाकवि भारवी बहुत ही बड़े विद्वान कवि हैं और वो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। महाकवि भारवी, भारवी अर्थ गौरवम, भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव का अर्थ ही होता है कि अर्थ में गौरवता, अर्थ में गुरुता, अर्थात छोटी छोटी बातों में कुछ विशेष बात कह देना, छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात, यह है अर्थ गुरुता। तो भारवी जी के द्वारा जो लिखा गया यह किरातार्जुनीयम है, यह पूरा 18 सर्गों में संबंधित है। मैं आपसे बताया कि हस्तिनापुर में पांडवों और दुर्योधनों के बीच में राज्य बंटवारा के लिए कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में युधिष्ठिर महाराज वन में रह रहे हैं, तो एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही अनायास अचानक उनके मन में विचार आया कि हम थोड़ा सा जाने कि जो हमारा दुर्योधन है वह क्या कर रहा है, उसका और वहाँ की जो प्रजाएं हैं किस प्रकार की हैं, वहाँ के जो किसान हैं, साहूकार हैं, अन्य लोग जो हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इस प्रकार की बात को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने ब्रह्मचारी भेषधारी वनेचर को उन्होंने हस्तिनापुर में भेजा और वह हस्तिनापुर जाकर के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर के वह वापस आ गया। वहाँ के प्रजाओं के बारे में कि देखा कि किसान भी बहुत खुशहाल हैं, साहूकार भी बहुत खुशहाल हैं, मजदूर भी खुशहाल हैं, अन्य आम जनता भी जो है बहुत एकदम संपन्न है, सुखी संपन्न है। दुर्योधन का भी राजपाट अच्छी तरह से चल रहा है। दुर्योधन की गुप्त बातों को, नीति रहस्य बातों को जान करके वह वनेचर, वह ब्रह्मचारी भेषधारी सो वनेचर है, वह युधिष्ठिर के पास आ जाता है और वह पूरी बात युधिष्ठिर से बताता है, जो कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं द्वैत नामक वन में, द्वैत वन में निवास कर रहे हैं, द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। द्वैत वन में कर्मधारय समास है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ग्रंथ के पाठ्यक्रम ग्रंथ संबंधी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं आपको ग्रंथ से संबंधित जो बातें हैं वो बताएंगे, कवि से संबंधित जो बातें हैं वो बताएंगे, क्योंकि भारवी जी को दक्षिणात्य माना जाता है, फिर भारवी संबंधी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे प्रथम श्लोक किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक की ही चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 18 सर्ग हैं, प्रथम सर्ग में पूरे 46 श्लोक हैं। 46 श्लोक में, यह 46 श्लोकों में महाकवि भारवी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसमें वंशस्थ छंद, पुष्पिताग्रा छंद और मालिनी छंद है। वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी, अर्थात एक से लेकर के 44 श्लोक तक, एक से लेकर के 44 श्लोक तक पूरा वंशस्थ छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? वंशस्थ। और जो 45वां श्लोक है वह है पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है। पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? तो पुष्पी
तागरा छंद में लिखा गया है, और जो 46वां श्लोक है वह मालिनी छंद में लिखा गया है, मालिनी छंद में लिखा गया है। अर्थात इस प्रकार से हम इसको याद भी कर सकते हैं, वपुमा वपुमा छंद। किरातार्जुनीयम में कौन कौन छंद, प्रथम सर्ग में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, तो वंशस्थ छंद, पुष्पितागरा छंद और मालिनी छंद। वपुमा वपुमा माने होता है वंशस्थ, पुष्पितागरा और मालिनी, इन तीन छंदों का प्रयोग किया गया है। तो एक से लेकर के 44 श्लोकों तक महाकवि भारवी जी जो हैं वंशस्थ छंद का प्रयोग किए हैं, और 45 में पुष्पितागरा छंद का प्रयोग किए हैं, और 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किए हैं। इसकी बात फिर हम आपसे आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं प्रथम श्लोक की तरफ। प्रथम श्लोक में हम आपसे बात करते हैं, प्रथम श्लोक इस वंशस्थ में, प्रथम श्लोक जो है वह मंगलाचरण से विभूषित है। इसमें प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। देखिए मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक। यह तीन प्रकार के मंगलाचरण हैं। तो जो कि किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। वस्तु का अर्थ ही होता है कथा का निर्देश करना, वस्तु माने होता है कथा, तो वस्तु माने होता है कथा का निर्देश करना। तो यहाँ किरातार्जुनीयम में कथा का निर्देश किया गया है, कथा का क्या किया गया है, निर्देश किया गया है। तो यहाँ कथा कैसी बताई जा रही है, तो दुर्योधन के राज विषयक वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने बनेचर को भेजा है। तो उस युधिष्ठिर के वृत्तांत को जानने के लिए जो बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पूरी कथा बताई जा रही है कि वह बनेचर वहाँ जाता है, संपूर्ण प्रजाओं के प्रजा विषयक व्यवहारों को जान करके, प्रजा विषयक व्यवहार, राजा विषयक व्यवहार, वहाँ की जो जन सामान्य जीवन है उन सामान्य जीवनों के विषय को पूरा जान करके वह आता है। तो पूरी कथा का निर्देश किया गया है कि इसमें क्या क्या होता है। उधर द्रौपदी जी भी जो हैं युधिष्ठिर महाराज को फटकारती हैं, ठीक है ना, उनको भी युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार की पूरी बात का वर्णन किया गया है। आशीर्वादात्मक क्या होता है, जैसे कोई भी मंगलाचरण पढ़ने पर आशीर्वाद या कल्याण की भावना का विकास हो रहा हो, प्रस्फुटित हो रहा हो, तो वहाँ आशीर्वाद रूपी मंगलाचरण माना जाता है। और नमस्कारात्मक में क्या होता है, किसी देवी देवता या किसी गुरु को नमस्कार करके जो पाठ किया जाता है तो वह नमस्कारात्मक होता है। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण किया गया है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो अब हम आपसे प्रथम श्लोक की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। श्रेयः कुरुणामधिपस्य पालनिम् प्रजासुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वये तवने वनेचरः श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनिं प्रजासुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगे विदितः समाययौ युधिष्ठिरः द्वये तवने वनेचरः युधिष्ठिरः द्वये तवने वनेचरः। तो अंतिम लाइन देखिएगा, किताब लेकर सामने बैठिएगा और देखते रहिए। जब मैं जैसे जैसे श्लोकों को पढ़ रहा हूं, तो सवर्णलिंगे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वये तवने वनेचरः। कहा सह, कहा कौन, कहा सह, सह, कहा सह, सह वनेचरः,
सह वनीचर 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 कहा वह वनीचर कहा सह वनीचर समाययौ द्वैतवने समाययौ द्वैतवने कहा वह वनीचर द्वैत वन में समाययौ लौट आया। कहा सह वनेचर तीसरी लाइन की बात कर रहे हैं। कहा सह वनेचर वह वनेचर द्वैत वन में जहां पर पांडव युधिष्ठिर आदि रहते थे। कहा उस द्वैत वन में समाययौ माने वापस आ गया लौट आया। यहां सम उपसर्ग लगा हुआ है और आंग उपसर्ग लगा हुआ है तो सम आंग अयौ ठीक ना अयौ अयौ ययौ 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 माने आया। पांडित जी की देखिए अर्थ गंभीरता देखिए मैं अर्थ गौरव की बात कर रहा हूं कि पांडित जी ने क्या बढ़िया छोटी सी बात में कहा कहा ययौ आया। कहा कैसे आया कहा सम आंग सम माने अच्छी तरह से ययौ माने गया लेकिन यहां आंग उपसर्ग लगा है आययौ 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 माने आया ययौ माने गया आययौ माने आया तो यहां सम उपसर्ग लगा हुआ है तो सम माने अच्छी तरह से आया। एक एक गुप्तचर एक राजा का एक विरोधी राजा का गुप्तचर अगर किसी दूसरे के यहां वह गुप्त सूचना को जानने के लिए जाएगा तो कितना बड़ा उसके लिए रिक्स है कि नहीं। युधिष्ठिर और दुर्योधन में कितना बड़ा कंपटीशन है। दुर्योधना को तनिका वगैरह पता चल जाएगा कि युधिष्ठिर का एक गुप्तचर है तो उसको मार मार करके वहीं पर उसकी हड्डी भूसी तोड़ करके एकदम फिट कर देंगे। पांडे जी की अर्थ गंभीरता देखिए यहां पर कितना बढ़िया उन्होंने लिखा कि आयौ माने आया तो लेकिन कहा कैसे आया तो कहा समाययौ कहा बहुत अच्छी तरह से एकदम फिट होकर के स्वस्थ कंतनिको उसको चोट वोट नहीं लगी अर्थात तो उसको कहीं कोई किसी ने पहचाना नहीं उसका कहीं भी हाथ पर नहीं एकदम फिट फाट होकर के। कहा जैसे गवा रहा वैसे वापस आई कहा जैसे गवा था वैसे वापस आया। इसलिए देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लिखा भारवी जी ने कि समाययौ मतलब बहुत अच्छी तरह स्वस्थ जैसे स्वस्थ गया था वैसे आया। नहीं तो यहां पता चला कि तनिका अगर पता चल गया कि युधिष्ठिरा का गुप्तचर है तो पटक करके वहीं 20 लाठी तोड़ते सब उसकी नशा उतार देते लेकिन नहीं। इसीलिए भारवी जी ने यहां पर बताया कि सम आयो बहुत अच्छे ढंग जैसे गया था वैसे आया। कहे कहां आया द्वैत वन में आया कहा कौन आया वनेचर आया कहा सह कहा वह कहा कौन अरे कहा वो वनेचर जो गुप्तचर बन करके गया था युधिष्ठिर का कहा वह वनेचर द्वैत वन में बहुत अच्छे ढंग से आ गया भली प्रकार से आ गया कहा वो वनेचर। यह बात फिर आगे लिखा हुआ है कि वह वनेचर है कैसा तो सहवर्णलिंगे कहा वह लिंगी वह लिंगधारी वह है कैसा तो कहा वह ब्रह्मचारी वेशधारी। कहा अच्छा कितनी बढ़िया बात यहां पर भारवी जी ने बताया कि देखिए एक साधारण रूप में अगर जाए कट्टा छफेरा तलवार छुरा हाथी कटारा फौड़ा फरसा लाठी डंडा लेकर जाए तो निश्चित रूप से वहां पर वह पीटा जाता। लेकिन यहां भारवी जी ने शब्दों का प्रयोग करके दिखाया मेरे भाई
कहा वरलिंगी, कहा एकदम बाबा का भेष धारण करके गया, साधु सन्यासी बन के गया, कहा बाबा योगी आदित्यनाथ बन करके गया वह, कहा बाबा योगी बन करके गया। इसलिए बाबाओं का बड़ा जमाना है भैया, जान लेना बाबा जो बने हैं, बाबा बनना बड़ा आसान है और बाबाओं पर बहुत भरोसा रहता है, उसको कोई कुछ गाली ओली नहीं देगा। इसलिए जो वहां की प्रजा है हस्तिनापुर की, जो कुरु प्रदेश की जनता है, उस जगह साधु सन्यासी है, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, साधु सन्यासी है, इसलिए कौनो उसको इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन गवा तो कैसे, गेरुआ वस्त्र धारण करके, कंठी माला, रुद्राक्ष की माला, कमंडल हाथ में कमंडल लेकर के खड़ाऊ पहन करके गया, जिसे सबको लगा कि बाबा है। तो चार लोग खुद उसको सलामी कर रहे हैं और नहीं जान रहे हैं कि गुप्तचर है, बढ़िया ब्राह्मण ब्रह्मचारी का भेष धारण करके वह चला जा रहा है, खूब पूछ पूछ ले रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, बस ऐसे देख ताक ले रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। इसीलिए भारवी जी ने यहाँ कितना बढ़िया शब्दों को लिखा कि समाय सहवरलिंगे विदिता समाय, कहा एक बात और बताया, कहा विदिता, विदिता माने सच्ची तरह से जान करके, कहा विदिता संपूर्ण बातों को जान करके, कहा सम माने अच्छी तरह से। एक बात और है यहां पर समाय का, कहा आया तो कैसे आया, तो संपूर्ण वृत्तांत को जान करके, संपूर्ण बातों को जान करके वह द्वैत वन में आया। तो कहा द्वैत वन में है कौन, तो कहा द्वैत वन में युधिष्ठिर महाराज हैं। कहा कौन हैं, तो कहा युधिष्ठिर महाराज हैं। कहा वह वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में चला आया, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास चला आया। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं, कितनी सरल बात है, सीधी सी बात है। तीसरी लाइन में देखिए, सहवरलिंगी वनेचर, वह ब्राह्मण भेषधारी वनेचर विदितः जान करके युधिष्ठिरम द्वैत वने समाययो, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में चला आया। विदितम माने संपूर्ण बातों को अच्छी तरह से जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में चला आया। तो सहवरलिंगे विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, सहवरलिंगे विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो द्वैत वन में कौन रहता है, युधिष्ठिर रहते हैं। वनेचर कहाँ गया, कुरु प्रदेश में गया। कहा वनेचर किस भेष में गया, कहा ब्रह्मचारी भेष में गया। यह सब प्रश्न पूछता है परीक्षा में, वनेचर किस भेष में गया, तो वनेचर ब्रह्मचारी के भेष में गया, ब्रह्मचारी के भेष में गया। कहा किस लिए, क्या करके आया, तो कहा संपूर्ण वृत्तांत को जान करके आया। कहा वन में विचरण करने वाला वनेचर, वनेचरत इति वनेचरः, वन में विचरण करने वाले को वनेचर कहते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, सह वनेचरः, अब वह वनेचर है कैसा, तो वह वनेचर जो है वर्णलिंगी है, ब्राह्मण भेषधारी है, ठीक है ना। तो यह इसकी विशेषता है, वनेचर का यह विशेषण है। वनेचर किस भेष में गया, तो वनेचर जो है ब्रह्मचारी के भेष में गया। कहा किस लिए गया, कहा वह वृत्तांतों को जानने के लिए, विद्युत कहा प्रजा विषय व्यवहार को जानने के लिए, और कहा क्या करके आया, तो कहा संपूर्ण वृत्तांतों को अच्छी तरह से जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत नामक वन में समाये, माने वापस आ गया, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी, चले आगे चलते हैं। तो कहा तीसरी लाइन, दूसरी लाइन देखिए, प्रजा सुब्रेतिम यमयं तवेदितुम, कहा यमा वेद तुम अयुंक्त, कहा वेद तुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, कहा यम माने जिसको, जिसको कहा, जिसको
वेदितुम माने जानने के लिए, वेदितुम माने जानने के लिए, ठीक तो कहा प्रजासुवृत्तिम यम वेदितुम अयुंक्त अयुंक्त नियुक्त अयुंक्त नियुक्त यम माने जिसको प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम माने जानने के लिए अयुंक्त माने नियुक्त अयुंक्त माने नियुक्त कहा यम कहा यम अयुंक्त 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 माने नियुक्त अयुंक्त माने नियुक्त कहा वेदितुम कहा किस लिए कहा प्रजासुवृत्तिम प्रजाओं के प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम माने जानने के लिए यम माने जिसको कहा किसको कहा सहवर्णलिंगी सहवर्णलिंगी सह वर्णलिंगी वनेचर सहवर्णलिंगी वनेचर कहा वह ब्रह्मचारी भेषधारी वनेचर कहा यम माने जिसको तो यहां यम का तात्पर्य कौन है तो यहां यम का तात्पर्य है वह वनेचर तो कहा जिसको कहा वह ब्रह्मचारी भेषधारी वेदितुम माने जानने के लिए यम माने अयुक्त माने नियुक्त किया था कहा किस लिए नियुक्त किया था कहा प्रजासुवृत्तिम प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम माने जानने के लिए यम माने जिस वनेचर को अयुक्त माने नियुक्त किया था कहा सह वनेचर सह वर्णलिंगी वनेचर वह ब्रह्मचारी भेषधारी वनेचर विदितः संपूर्ण वृत्तांतों को सम आयौ विदितः कहा विदितः माने जान करके सम माने अच्छी तरह से संपूर्ण वृत्तांतों को जाकर जान करके युधिष्ठिरम द्वैत वने समायौ कहा युधिष्ठिर के द्वैत नामक वन में युधिष्ठिर के पास चला आया कहा कैसा तो पहली लाइन लिखा हुआ है कि श्रेय है करुणाम अधिपस्य पालनिम श्रेय है करुणा मधिपस्य पालनिम कहा अधिपस्य कहा राजा युधिष्ठिर की करुणाम कुरु प्रदेश के स्वामी की श्रेय माने राजलक्ष्मी को पालनी माने संरक्षित करने के वाली कहा कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी को संरक्षित करने वाले अधिपस्य कहा उस राजा के उस दुर्योधन यहाँ अधिप का अर्थ है दुर्योधन यहाँ अधिपस्य जो लिखा हुआ है वह अधिपस्य जो है दुर्योधन के लिए आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है दुर्योधन के लिए आया हुआ है ठीक है ना तो कहा किसके लिए तो कहा यहां जो अधिपस्य आया हुआ है यह अधिपस्य जो है दुर्योधन के लिए है दुर्योधन कहा कुरु प्रदेश का जो स्वामी दुर्योधन है कहा उसकी श्रेय माने राजलक्ष्मी को पालनी माने संरक्षित करने वाली पालनी माने संरक्षित करने वाली प्रजा विषयक प्रजा सुवृत्तिम प्रजा विषयक प्रवृत्ति माने व्यवहार को वृत्ति माने व्यवहार को वेदितुम माने जानने के लिए यम अयुक्त नियुक्त आया यम अयुक्त नियुक्त जिसको नियुक्त किया था कुरु प्रदेश के स्वामी दुर्योधन की श्रेय माने राजलक्ष्मी को पालनी माने संरक्षित करने वाले कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी को कुरुणाम श्रेय कुरु प्रदेश की श्रेय माने राजलक्ष्मी को पालनी माने संरक्षित करने वाले पालन पोषण करने वाले दुर्योधन की अधिपस्य माने उस राजा की उस दुर्योधन की प्रजा सुवृत्ति और प्रजा विषयक व्यवहारों को वेदितुम माने जानने के लिए यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया था अयम अयुक्त नियुक्त जिसको नियुक्त किया था जिसको लगाया था
सहवर्णलिंगी बनेचर वह है कौन? कहा वह ब्रह्मचारी भेषधारी बनेचर विदितः साम। अच्छी तरह से संपूर्ण वृत्तांतों को जान करके द्वैत बने, द्वैत वन में, द्वैत नामक वन में युधिष्ठिरम समाययो, युधिष्ठिर के समीप लौट आया। यह पूरी बात यहां पर भारवी जी बता रहे हैं। और कितनी अच्छी बातों को कहा। अब प्रश्न देखिए, तो कुरु प्रदेश का राजा कौन है? अधिपस्य का यहां पर अर्थ किसका है? कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम अधिपस्य पालनीम में कुरुणाम अधिपस्य से किसका बोध हो रहा है? तो कुरु प्रदेश राजा कौन? कुरु प्रदेश का राजा है दुर्योधन। तो श्रीय कुरुणाम अधिपस्य पालनी में कौन छंद है? तो वंशस्थ छंद है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, 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 मुदीरितम जरौ जरौ। देखिए जतौ और जरौ, जतौ माने जगण, त माने तगण, फिर ज माने जगण, फिर र माने रगण, रगण रगण। तो देखिए जगण तगण जगण रगण, जतौ जरौ, जतौ जरौ वंशस्थ, जतौ जरौ वंशस्थ, जतौ जरौ वंशस्थ। तो देखिए चार चार, चार तियाई बारह, चार चार आठ, तीन तीन छ, तीन नौ तीन बारह। तो वंशस्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? बारह, तीन चौके बारह। तो वंशस्थ में पूरी बारह मात्राएं होती हैं, ठीक है ना? वंशस्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? बारह। तो श्रीय कुणाम अधिपस्य पालनी में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्रजा विषयक व्यवहार को कुरुप्रदेश की, कुरुप्रदेश के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो ब्रह्मचारी भेषधारी बनेचर को नियुक्त किया गया था। ब्रह्मचारी वह बनेचर किस भेष में कुरुप्रदेश में गया? तो वह ब्रह्मचारी के भेष में गया। संपूर्ण वृत्तांत को जान करके वह बनेचर कहां वापस लौट करके आया? तो द्वैत नामक वन में आया। किसके पास लौट कर आया? तो युधिष्ठिर के पास लौट करके आया। यह पूरी बात इसमें बताई गई है, ठीक है? तो एक बार फिर बोलेंगे, श्रेय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृतिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगे वेदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। आज इतना ही मित्रों, पुनः फिर आगे की बात बताई जाएगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस नंबर पर आप कॉल भी करेंगे, ठीक है? इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना? नंबर तो देखिए जी, नंबर है 84 00 333 26 0। देखिए यही नंबर सेम है, लेकिन अंत में यहीं पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना? जैसे हम लिख दे रहे हैं 84 00 333 26 4, ये दोनों नंबर हैं। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल और व्हाट्सएप करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।